पूर्व केंद्र मंत्री और कद्दावर राजनेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले के महानार हसनपुरा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। रघुवंश बाबू के छोटे पुत्र शशि शेखर ने उन्हें नम आंखों के साथ मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के कई मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन रविवार को दिल्ली के एम्स में हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर रविवार की शाम में पटना लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना से वैशाली के हाजिरपुर ले जाया गया। हाजिरपुर पहुंचते ही उनके दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाजिरपुर पर लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा वैशाली से लालगंज पहुंची। सड़क के दोनों किनारे काफ़ी लोगों की भीड़ खड़ी थी। उनके अंतिम यात्रा में रघुवंश बाबू अमर रहे के नारे लगे। आपको बता दें, सबसे पहले मनरेगा लाने वाले रघुवंश 23 मई 2004 से 2009 तक केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री रहे। विरोध के बावजूद उन्होंने 2 फरवरी 2006 को देश के 200 पिछड़े जिलों में मनरेगा की शुरुआत की, मनरेगा मैन। और अपनी बात बेबाकी से कहने वाले रघुवंश प्रसाद ने 10 सितंबर को ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लालू ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए कहा था कि वह आरजेडी से बाहर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सियासी जगत की दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। न्यूज़ डेस्क।